हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों कौन सा खिलाड़ी कितने नंबर पर बैटिंग करेगा और कौन सा बॉलर जो वो कितना नंबर पर बॉलिंग करेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप बॉलर का और बैटिंग का दोनों का अगर जानकारी प्राप्त रखेंगे तो आप एक अच्छा टीम बना सकते हो और पैसा भी जीत सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों क्यों पता करता है लोग, ये ड्रीम इलेवन में या फिर हाउजेट पे या फिर कोई भी फैंटेसी लीग पे दोस्तों टीम बना के पैसा लगाता है। ठीक है, इस जीतने के लिए। तो अगर वो जानकारी प्राप्त रहता है उसको तो अच्छा टीम बना सकता है। इसके लिए मैं ये आज का वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा खिलाड़ी जो है कितना नंबर पर बैटिंग करेगा और कौन सा बॉलर जो है दोस्तों वो कितना नंबर पर बॉलिंग करेगा। इससे क्या होगा कि दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, जैसे कि इंडिया का, जैसे कि रोहित शर्मा और ईशान किशन पहले बैटिंग करता है, तो यहाँ पे अगर आप श्रीलंका का या फिर ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बॉलर जो एक दो नंबर पे बॉलिंग करता है उसको भी कैप्टन बना दिए और इधर भी आप जो है रोहित शर्मा को या ईशान किशन को बना दिए, तो जब भी वो बॉलिंग करेगा तो आपको कैप्टन को ही आउट कर देगा। तो आपका क्या होगा कि बॉलिंग का पॉइंट तो बढ़ जाएगा और जिसको आप कैप्टन बनाए तो उसका घट जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका लॉस चला जाएगा। ठीक है, आपका कैप्टन ही वाइस कैप्टन को आउट कर देगा। तो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि इससे जानकारी अगर रहेगा आपको दोनों का कि बॉलिंग और बैटिंग कितना कितना टाइम पर करते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से देख लीजिए, आप अच्छा टीम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैटिंग कितना नंबर पर बैटिंग, बहुत सारे लोगों को ये सब मालूम नहीं रहता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आ जाने के बाद सर्च पर आपको टच कर देना है। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पॉसिबल 11 लिखना है। ठीक है, पॉसिबल 11 टाइपिंग करके दोस्तों आपको सर्च कर देना है और ये जो ऐप है दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ये, और ये दोस्तों आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेना। ओपन जैसे करेंगे दोस्तों यहाँ पे जितना भी खेल स्टार्ट होने वाला है उसका लिस्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कितना टाइम में होने वाला है वो पूरा आपका लिस्ट शो होने लगेगा। देख लीजिए, जैसे 1 घंटा 46 मिनट 39 सेकंड में एक खेल चालू होने वाला है। ठीक है, 220 है ये भी, एक घंटा 46 मिनट, और नीचे आएंगे तो जितना भी खेल स्टार्ट होगा दोस्तों यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडिया और श्रीलंका का खेल होने वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे पर सबसे यहाँ पे 57 घंटा 15 सेकंड में स्टार्ट होने वाला। तो यहाँ पे अभी बहुत टाइम है, तो इससे आगे हम लोग क्या करेंगे पता करके रखेंगे कौन सा दोस्तों बैटिंग जो इंडिया का मतलब बैट्समैन ओपनर करें, हम इसका दोस्तों बताने वाला हूँ कि बैटिंग ऑर्डर। इस तरह से आप किसी का भी पता कर सकते हो, ठीक है, किसी भी खेल का। तो इस वीडियो में हम आपको बता कौन सा बैट्समैन जो इंडिया का कितना नंबर उतरेगा और श्रीलंका का भी कौन सा बैट्समैन कितना नंबर पर उतरेगा और कितना नंबर पर बॉलिंग करेगा, सब सारा डिटेल्स बताने वाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर एक क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको एक ऐड आ जाएगा, तो हो सकता है ऐड आ जाएगा तो उसको कट कर देना है। ठीक है, आप दोस्तों ऐड को कट कर देने के बाद आपके पास यहाँ पे इंडिया का देख पा रहे हैं, इंडिया का जो बैट्समैन है वो सीरियल नंबर से दिया गया है, 1 नंबर 2 नंबर करके पूरा, और यहाँ पे श्रीलंका का पूरा डिटेल्स भी दिया गया है। ठीक है, कितना नंबर पर कौन कौन उतरता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बैटिंग का तो पता चल गया, अब बॉलिंग का मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पता करें। अब हम लेके चलते हैं आपको बॉलिंग, जो दोस्तों इंडिया का जो बॉलर है वो कितना नंबर पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर 1 नंबर पे करेगा, कौन सा 3 नंबर, कौन सा 4 नंबर में, और श्रीलंका में कौन सा करेगा 1 नंबर पे 2 नंबर पे बॉलर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पूरा बैक हो जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर में फिर से आपको आ जाना है, यहाँ से पूरा हट जाना है और बैक हो जाना है, और यहाँ पर फिर से आपको सर्च बॉक्स में टच कर देना है और यहाँ पर आपको लिखना है क्रिकबज। क्रिकबज टाइपिंग करके दोस्तों यहाँ पे ये ऐप जो है आपको डाउनलोड करके दोस्तों आपको ओपन कर लेना है। इसी में आपको बैट्समैन का रिकॉर्ड और बॉलर का रिकॉर्ड टोटली मिल जाएगा। कैसे, मैं वो और लास्ट तक वीडियो देखने का मैं आपको बता रहा हूँ। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले नीचे पे एक मैच का मतलब ऑप्शन मिलेगा, उस पर टच कर देना है। टच करते आपको 3 ऑप्शन शो होगा, जो लाइव में चलेगा यहाँ पे लाइव में यहाँ पे पूरा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अपकमिंग जो खेल स्टार्ट होने वाला आने वाला है 2-1 दिन में वो यहाँ पे शो होता है। ये देख लीजिए, जैसे इंडिया और श्रीलंका का ही खेल होने वाला है। ठीक है, जो अभी मैं आपको वहाँ पे दिखाई ऐप में वही जो है स्टार्ट होने वाला है, तो इसी का मैं बायोडाटा निकाल रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है इस खेल को खेलने के लिए, हमें तो अभी इंडिया का बैटिंग का पता चल गया और श्रीलंका भी, अभी बॉलिंग का पता करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिसेंट में आ जाएंगे, जो खेल खेला हो चुका है उसका यहाँ पे शो होता है, जितना भी खेल हो चुका है यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है। तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे
कि यहाँ पे हमें इंडिया मिल गया है वेस्ट इंडीज के साथ खेलते हुए। तो यहाँ पे मैं सीमोर पे थ्री सीमोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे और भी थ्री खेला जाएगा और इंडिया के साथ, या टू थ्री फर्स्ट उसके बाद 220 होने लगा, 1 2 3। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ में तो यहाँ पे स्कोर पे आ जाना है स्कोर पे, और जैसे आप वेस्ट इंडीज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंडिया का बॉलर शो होने लगेगा। देख पा रहे हैं एक नंबर पर दीपक चार, उसके बाद दो नंबर पर आवेश खान, वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर, रवि वैष्णव, हर्षल पटेल, ये दोस्तों बॉलिंग किया है। ठीक है, एक नंबर पे, दो नंबर, तीन चार पाँच छः नंबर तक बॉलिंग किया, इस तरह से एक खेल में ये ऐसा किया। अभी फर्स्ट 220 में रिकॉर्ड देखता हूँ स्क्वाड में आगे, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्टेड वेस्ट इंडीज सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हमें बॉलर मिल जाए। देख पा रहे हैं यहाँ पे भुवनेश्वर, दीपक चार दो नंबर पर, हर्षल पटेल, चहल, इस तरह से हर एक खेल में दोस्तों उसका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टोटली चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस हर एक मतलब तीन खेल का मैं टाइपिंग करके रखा हूँ कौन कितना नंबर पर बॉलिंग करता है। ठीक है, तो मैं अपना नोटपैड पे आ जाता हूँ और आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका का मैं लिख के रखा हूँ, ये चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, ये काम आएगा। आप देखिए एक नंबर पर जो होता है दीपक चार, भुवनेश्वर कुमार, एम सिराज बॉलिंग करता है, और यहाँ पर दूसरा नंबर पे देख पा रहे पी कृष्णा, दीपक चार। अभी आप बोलिएगा कि यहाँ पे दीपक चार एक नंबर पे भी दो नंबर पे भी बॉल कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा होता है कि एक नंबर कभी कभी भुवनेश्वर कुमार और दीपक चार जो होता है वो खेलता है तो एक ही साथ तो बॉल नहीं कर सकता है ना वो, तो इसीलिए कभी भुवनेश्वर पहले बॉल करता है, सेकेंड में दीपक चार करता है, या कभी दीपक चार पहले बॉल करता है या बाद में सेकेंड में भुवनेश्वर कुमार बॉल करता है। तो तीन खेल का मैं रिकॉर्ड निकाल के रखा हूँ, और इससे क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे जैसे कि एक नंबर पे एम सिराज है, ठीक है, मोहम्मद सिराज, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग को क्रेडिट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ पे एम सिराज को दोस्तों क्रेडिट थोड़ा किसी का ना किसी का तो कम रहेगा, तो इसे एडजस्ट करके आप ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह से मैं बनाया हूँ, और यहाँ पर आप इसी तरह से आप पता कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर श्रीलंका का भी इस तरह से बना के रखा हूँ। ठीक है, एम तिस्कार, डी चमेरा एक नंबर पर बॉलिंग करता है। ठीक है, इसी तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा लिख के रखा हूँ, और इसी तरह से आप वहाँ से निकाल सकते हो, बैटिंग ऑर्डर का भी आप पता कर सकते हो, और क्रिकबाज से बॉलर का भी पता कर बॉलिंग का भी कि कितना कितना नंबर पे कौन सा खिलाड़ी बॉलर बॉलिंग करता है और कौन सा खिलाड़ी कितना नंबर पर बैटिंग करता है।